Hello, nice student. Today we take exercise 1.1, question number 2. आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. क्वेश्चन 2 क्या दिया है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5, वेयर क्यू इज ए सम इंटीजर. हमको यहाँ प्रूव करना है कि 6q+1, 6q+2, 6q+3 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. ये हमको प्रूव करना है ना यूक्लाइड मेथड से. तो क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सेकंड, हियर वी अप्लाई यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम. तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है? 6q+1, 6q+3, 6q+5 को ऑड पॉजिटिव इंटीजर प्रूफ करना है. तो हम यहाँ पे यूक्लाइड डिवीजन मेथड लगा रहे हैं. यूक्लाइड डिवीजन मेथड क्या होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना. तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी फॉर्म का है, 6q+1. ये इस फॉर्म में ये नहीं दिया, इसको हम ओड मान ले तो लेट. तो इसमें अब हम ए को लेट ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ए को हम ओड पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, इसमें ए लिखा है ना, तो ए को हम क्या सपोज कर लिए, ए इज पॉजिटिव ओड इंटीजर. बी, या कि इसको ऐसे लिख लो, ए को हम पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिए. और बी कितना दिया है? देखिए बी, ये जो रिलेशन दिया है, तो इससे यदि कंपेयर कीजिए इससे, तो बी के प्लेस में आता है 6. तो बी यहाँ पे 6 दिया गया है. एंड आर कितना है? आर जो है 0 से 6 के बीच का है, है ना. तो ये आर है. तो कुल पॉसिबल रिमाइंडर कुल कितने हुए? 0 से 5 तक, है ना. इसके बीच का नंबर लेना है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर आर इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये पॉसिबल रिमाइंडर हो गए. तो ये देखिए, फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है 6q+1, 6q+2 और 6q+3 ये ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे. तो हम इसको क्या किए, यूक्लाइड मेथड लगाए. यूक्लाइड डिवीजन मेथड में थ्योरम क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पे ए को पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिए, बी की वैल्यू 6 दी गई है, है ना. और क्यू तुम्हारा जब डिवाइड करते तो क्वेशेंट हो जाता है. आर भी दिया है, क्योंकि तुम बी क्यू प्लस आर लिखे हो, तो ये जो +1, +3, +5 लिखा है, तो वो आर की वैल्यू है. तो आर की वैल्यू 1 से 5 तक है. तो वही हम यहाँ बाउंड बना लिए, इंटरवल बना लिए 0 to 6, माने इसके बीच का नंबर यदि हम लेंगे, माने 0 शुरू करेंगे तो 6 तक. तो 6 तक नहीं, 0 से ले सकते हैं, पर 6 से कम ही लेना. तो इसके आधार पे पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो गए? 0, क्योंकि इक्वल साइन भी लगा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब इसी इक्वेशन में, ये जो हम यहाँ इक्वेशन माने हैं, ये
ये वाला, इसमें आप r की वैल्यू रखते जाइए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 6 b की जगह 6 रख देना है और r की जगह वह एक बार 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ये तो ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 0, है ना। इसी तरह से 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 तक लिखना है हमको। देखिए इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू हम क्या लिखे हैं, 6, तो 6 लिखेंगे तो और रिमाइंडर 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा पहली बार जब इसमें लिखे तो b की जगह 6q और रिमाइंडर की जगह 0 ले लिए, फिर 6q तो सम में रहेगा, फिर रिमाइंडर r की जगह प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 ये रखते चले गए, है ना। तो अब इसमें हियर इतना समझ में आ गया, ये जो वैल्यू हम लिखे हैं इसमें रखते चले गए हैं, ओके। b की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, 6 रहेगी, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक रख देना है। तो इस कंडीशन में हम r की वैल्यू रख दिए हैं, r की वैल्यू 0 1 2 3, तो ये वैल्यू सब आ गई। हियर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5 आर ए सॉरी इतना ही 6q हियर 6q इसमें। अब देखिए ये लिस्ट जो बनी है आपकी, तो इसमें ये वाला नंबर, ये और ये, देखिए इसमें इवन नंबर आ रहा है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, तो इसमें इवन नंबर को अलग लिख लेना है। इसलिए जो यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं, इंटीजर लिखे गए हैं जो, उसमें से इवन नंबर को अलग लिख लो। तो इसमें इवन नंबर ये है और ये है ना, दिख रहा ना, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, इसमें 6q प्लस 4, पूरे इवन नंबर है ना, है ना। और मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, तो q की वैल्यू चूँकि एक इंटीजर है तो 1 2 3 रख के चेक भी कर सकते हैं। और वैसे भी पूरा इवन नंबर दिया है तो जब पूरे नंबर इवन दे दिए जाते हैं तो ऑलरेडी वो इवन ही होता है। तो ये एंड 6q प्लस 4 आर ए, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन। तो जो ये लिस्ट बनाए उसमें ये और ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्यों, क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइजिबल है, बिकॉज दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 2। तो चूंकि ये नंबर 2 से डिवाइड है इसलिए इवन नंबर हो गए, तो जो बचे, अब जो नंबर बच गए वो ओड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, 10, 6q प्लस 1, अब ये नंबर बच गए हैं तो जो बच गए उनको लिख दो, तो 10, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ए ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर।
तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो बी टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर में आपके क्या है, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर। एक आर्मी के टुकड़ी में कुल 616 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं, 616। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। अब ये जो 616 मेंबर हैं वो उसी में आर्मी के बैंड के पीछे फॉलो कर रहे हैं। बैंड के यहाँ पे ए और आर्मी बैंड में कुल कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं। तो अब इन आर्मी के मेंबरों को कॉलम से खड़ा करना है, तो इसमें ये बताना है कि कुल कितने कॉलम बनेंगे। जैसे अब इन मेंबरों को हमें किस में रखना है, लाइन बाय लाइन खड़ा करना है ना। तो जब हम इनको लाइन बाय लाइन खड़ा करेंगे 616 व्यक्तियों को, तो ये बताना है कि इन व्यक्तियों को हम कुल कितनी लाइन में खड़ा कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन। तो माने अधिक से अधिक कितनी कॉलम्स बनेंगी, तो अधिक से अधिक हम बोल रहे हैं है ना, मोर देन बोल रहे हैं। तो हाउ मच, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे SCF निकालना है। क्या निकालना है, SCF। सॉल्यूशन गिवन, टोटल मेंबर, इन आर्मी 616। तो एक आर्मी की टुकड़ी में कुल कितने हैं, 616 मेंबर हैं है ना। तो अब एक बैंड में कितने मेंबर हैं, एक बैंड में, बैंड का मतलब यहाँ पे कि जैसे लोग, जैसे PT परेड आप लोग भी करते हैं, तो जो लोग पेयर कराते हैं वो बैंड में आ जाएंगे, और जो बच्चे खड़े होते हैं लाइन में वो मेंबर में ले लीजिए उनको। तो इसी तरह ये है कि ये व्यक्ति ही इन पूरे व्यक्तियों को संचालन कर रहे हैं। तो आर्मी मेंबर ऑफ एंड मेंबर्स इन आर्मी बैंड थर्टी टू मेंबर हैं। हियर वी फाइंड, क्या करना है, फाइंड नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। तुम कॉलम्स फाइंड करना है, तो हियर वी फाइंड, हियर वी आर फाइंड HCF ऑफ 616 32। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कि कुल कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे। तो नंबर, अधिक से अधिक नंबर आप कॉलम बन, क्वेश्चन बोला है कितने बनेंगे, इसलिए हमको 616 और 32 के बीच का SCF निकालना है। तो यहाँ पे SCF निकालना है, तो यहाँ तो ऐसी कोई मेथड दी नहीं गई है कि किस मेथड से आप ये SCF निकालेंगे, तो आप स्वतंत्र हैं, जिस मेथड से बने उस मेथड से आप SCF यहाँ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम तो यूक्लाइड डिवीजन बताए हैं, अभी बता रहे हैं, तो उसी मेथड से निकाल रहे हैं। फिर भी आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो वी अप्लाई यूक्लाइड डिवीजन
एल्गोरिथम। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस मेथड से हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे बड़ा है होता है उसे हम ए मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे हम क्या मानते हैं, बी। जैसे ये फार्मूला लिखे हैं तो इस फार्मूले में क्यू तो क्वेशेंट है, आर रिमाइंडर, ये तो डिवाइड करने में आप पाएंगे। अब इसमें ए और बी, तो इसमें एक ए है, एक क्या है, बी है। तो इन दोनों में जो ग्रेटर है वो ए माना जाएगा, जो स्मॉल है वो बी माना जाएगा, है ना। इसीलिए ये कंडीशन दी जाती है ये कि ग्रेटर वाले नंबर को ही यहाँ लेना है, तो ग्रेटर वाला हमेशा ए रहेगा। तो यहाँ 616, तो यहाँ पे हम लिख लिए 616 32। अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 616 का 32 में डिवाइड करेंगे तो वन बार गया 32, तो 9 2 आया, डाउन 6 तो 9। तो ये 8 और ये 0 0, तो ये आया क्वेशेंट, आया 19 और ये आया प्लस 8। ओके, इतना समझ में आ गया। फिर अब देखिए जैसे हम 32 का इसमें डिवाइड किए, ये किए हैं, तो ये वाला आपका Q माना जाएगा, ये R। तो इस फार्मूले में Q की जगह पे 19 और R की जगह पे 8 रख दिए, तो ये स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अगले स्टेप में ये वाला और ये नंबर रिमाइंडर और B नंबर हमेशा A B बन जाते हैं, तो इन दोनों में ये ग्रेटर है ये स्मॉल है, तो ग्रेटर वाला यहाँ, तो 32 8। अब 32 में 8 का डिवाइड करेंगे, तो 32 में जब 8 का आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये आया 4 और रिमाइंडर 0। ओके, तो ये देखिए, तो क्वेशेंट हमेशा यहाँ। तो इसमें हम आप बताए थे कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो बी वाली वैल्यू होती है वही SCF मानी जाती है। तो ये देखें, रिमाइंडर 0 हो गया और ये बी वाली वैल्यू है, इसलिए ये SCF है। तो SCF कितना आया, 8। SCF कितना आया, 8। तो आपका आंसर हुआ, आंसर टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम्स, 8 कॉलम्स होंगे। तो कुल कितने कॉलम बनेंगे उस आर्मी के टुकड़ी में, 8 कॉलम्स बनेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। बी टेक क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 4 क्वेश्चन लिए हैं। 4 क्वेश्चन में क्या बोला, यूज यूक्लाइड डिवीजन लीमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m आर 3m प्लस 1 आर 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसमें जो है बोला है क्वेश्चन कि यूक्लाइड डिवीजन मेथड का यूज करते हुए यदि जो इन नंबरों का हम स्क्वायर कर दें, क्या बोला है, इन नंबरों का हम क्या कर दें, स्क्वायर, ये नंबर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसमें जो नंबर दिए गए हैं 3m 3m प्लस 1, यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ले लें, तो स्क्वायरिंग करने के बाद भी जो आंसर आता है उसको हम BQ प्लस R फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। तो हम मान लिए कि X जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, X कोई पॉजिटिव इंटीजर है,
जिसे हम इस फॉर्म में सपोज कर लिए हैं। जैसे ये 3m 3m प्लस 1 है, तो मान लिए कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो इस प्रकार है 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो अब क्या बोला है हम क्वेश्चन, तो ये मान लिए, तो अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हम ये लिए पहला नंबर 3q, तो 3q के लिए तो यहाँ पे हो गया 3q का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 9q स्क्वायर। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 9q स्क्वायर आया है तो हमको लिखना इसी फॉर्म में है, माने यहाँ 3 रहना चाहिए। तो इसमें से आप 9 में से 3 को अलग कर दीजिए, माने फैक्टराइज फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q² है ना, ये इंटू का साइन है। तो इसमें से इसी फॉर्म में चूंकि हमको लिखना है, इसलिए जो भी यहाँ नंबर आए उसमें से 3 अलग कर दीजिए, बाकी को लिखा रहने दीजिए, बाकी से हमें मतलब नहीं है, 3 अलग करना है। तो ये हम 3q अलग कर दिए। तो अब ये देखिए, ये वाला जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 3m, है ना। यहाँ पे लेट m इक्वल टू 3q² हम मान लिए। तो ये 3 के बाद जितनी भी वैल्यू बचे उसे आप क्या सपोज कर लेंगे, m, तो ये 3m हो गया। इसी तरह से अब ये वाला ले लेंगे 3q + 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए 3q + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q² 1 का स्क्वायर 2 3q 1, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये आइडेंटिटी लगी है। मान लीजिए ये नहीं समझ में आया आपको, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे 3q है और b की जगह पे 1 है, तो ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये आएगा 9q² है ना, फिर 1 + 6q। तो अब इसको एसेंडिंग में लिख लीजिए, माने वेरिएबल पहले, तो 9q² + 6q + 1। अब देखिए इस वाले को किस फॉर्म में लिखना है, इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है 3m + 1, तो माने प्लस 1 को अलग ही रखिए, इतने में से इसमें से 3 कामन ले लीजिए। तो 3 हम यहाँ पे क्या ले लिए, कामन, क्यू भी ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा q² 6q + 1। ओके, तो इसमें हमें किस, तो इसमें से हम देखिए 3 कामन लिए तो इतना बचा है ना 3q² + 2q + 1, तो इस वैल्यू को जो 3 के साथ इंक्लूड हो उसको तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3q² + 2q = m, ये ले लिए। ओके, तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m, तो ये हो जाएगा 3m + 1। आ गया समझ में। फिर अगला, जैसे अब ये वाला है इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, तो अब हम लिए 3q + 2, सेम प्रोसीजर यही लगेगी, 1 की जगह 2 आ गया है, तो इसका भी स्क्वायरिंग किए 3q + 2 का स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दिए यही वाली, तो ये आएगा 3q² + 2q + 2 a² + b² + 2ab, ये आइडेंटिटी लिख दिए हैं। तो ये आ जाएगा 9q² 4 + 12q।
अब वेरिएबल एसेंड वेरिएबल फॉर्म में लिख लीजिए, माने एसेंडिंग में, वेरिएबल के एसेंडिंग फॉर्म में, वेरिएबल के डिसेंडिंग फॉर्म में, 9q² + 12q + 4 ये आया। अब देखिए इसको तो हमें टू फॉर्म में लिखना पड़ेगा, किस फॉर्म में, 3q + 2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 3q + 2 फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ 9q² 12q 3+1 लिख सकते हैं, जैसे 4 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इतने में से 3 ही कॉमन लेना है, हमको कॉमन क्या लेना है 3, क्योंकि 3 इस फॉर्म में लिखना है तो 3 होना चाहिए, तो हम इसमें से 3 कॉमन ले लिए, तो ये बचा 3q² 4q + 1, और ये प्लस 1 बाहर है, तो इतने में से हम 3 कॉमन ले लिए तो ये आया। अब इस वैल्यू को हम क्या सपोज कर लेंगे, इसको पूरे को m, तो ये हो जाएगा 3m + 1 फॉर्म 1, यहाँ पे लेट 3q² + 4q + 1 = m मान लिए हैं, ये आ गया समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। स्टूडेंट आज आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं कीजिए, इसी तरह सेम है, जहां हम स्क्वायर किए थे वहां आपको क्यूब कर लेना है, बस माने स्क्वायरिंग लिए हैं उसमें क्यूब करना है। तो क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है, उसे आप स्वयं कीजिए, और कल जो है हम नेक्स्ट डे नई एक्सरसाइज 1.2 लेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक इसको करना है, माने इस फॉर्म में इन पूरे क्वेश्चनों को 3m + 1 फॉर्म में, 3m या 3m + 1 फॉर्म में ही लिखना है, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।